Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm your friend Kareem Khan. I'm back with another grammar lecture video, complete subject. I hope you will be fine, you'll be doing great and you will be enjoying your life. Dosto, aaj hum complete subject ke bare mein baat karenge. Isse pehle humne simple subject aur subject ke bare mein alag-alag video session mein baat ki thi. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली पहले आप उन वीडियोस को देखिए, फिर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कंप्लीट सब्जेक्ट. व्हाट इज़ कंप्लीट सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट. लेट गेट स्टार्टेड. Complete subject. Class, what is complete subject? First, I should define this. पहले इसकी define करते हैं, उसके पहले इस बात करें. A complete subject is the simple subject is the simple subject in a sentence along with other words which modify the subject. Class, a very comprehensive definition this is about the complete subject. इसको हम इसकी definition को हम analysis करेंगे, इसको breakdown करेंगे ताकि आपका जो concept है वो मजीद clear हो जाए. What is the complete subject? A complete subject is, complete subject वो है क्या है, द सिंपल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ये कंप्लीट सब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट होता है. एंड सिंपल सब्जेक्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वन वर्ड सब्जेक्ट, और उसको हमने डिवाइड किया था टू ग्रुप्स में, वन वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वन वर्ड प्लूरल सब्जेक्ट. सो ये क्या है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट जो है ये एक सिंपल सब्जेक्ट है. किसमें, इन अ सेंटेंस. तो ये बात तो यहां तक क्लियर हो गई. अच्छा, इसके बाद इसके साथ अलोंग विद अदर वर्ड्स, इसके साथ और अल्फाज भी आएंगे, इसके साथ दूसरे वर्ड्स भी आएंगे. किसके साथ, उस सिंपल सब्जेक्ट के साथ. किस लिए, विच मॉडिफाई, मॉडिफाई मीन डिस्क्राइब, गिव मोर इंफॉर्मेशन, गिव मोर इंफॉर्मेशन. Or modify mean to bring changes. To bring changes. Class, what is complete? What is modify mean? Modify mean describe or give more information or to bring changes. ये मजीद जो अल्फाज आएंगे सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट के साथ किस लिए आएंगे, टू डिफाइन और एक्सप्लेन द सब्जेक्ट. ये उस सिंपल सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उसके साथ दूसरे अल्फाज आते हैं. तो इन सारे जो दूसरे अल्फाज मिलके और कंप्लीट सिंपल सब्जेक्ट, इनसे क्या बनता है, सिंपल सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल क्लास, ओरिजिन में ये बात याद रखे कि जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर से होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास असलम is absent. The tallest boy of the class Aslam is absent. इस सेंटेंस से आप who
फॉरवर्ड से पूछें कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है. सो हु इज एब्सेंट टुडे, हु इज एब्सेंट टुडे, सो योर आंसर इज असलम. असलम क्या है क्लास? सिंपल सब्जेक्ट है. असलम क्या है? असलम हमारे पास इस सेंटेंस में सिंपल सब्जेक्ट है. यहां से लिखें द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास असलम. ये पूरा का पूरा आपका क्या है क्लास? सब्जेक्ट है. और इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपका जो सिंपल सब्जेक्ट है, जो वन वर्ड सब्जेक्ट है, वो असलम है. क्यों? क्योंकि हु से जब आपने क्वेश्चन किया हु इज एब्सेंट, तो जवाब आया असलम. अच्छा, वो तो हमारे पास क्या हुआ? सिंपल सब्जेक्ट. ये जो दूसरे अल्फाज है द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? व्हाई डू वी यूज दिस वर्ड्स? जस्ट टू डिफाइन एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन, गिव मोर इंफॉर्मेशन किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सिंपल सब्जेक्ट. About the simple subject, the tallest boy of the class. For example, we have more aslams in the class. हमारे पास क्लास में, स्कूल में, इदारे में बहुत असलम हो, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया कि नहीं, वो छोटा भी नहीं, वो मोटा भी नहीं, वो दूसरा भी नहीं. कौन? The tallest, the tallest, जो सबसे क्लास में जो लंबा लड़का है, और लंबा लड़का कौन है? असलम है. सो द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास जो है, ये हमारे पास क्या है क्लास? ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे वर्ड हमारे पास क्या है? मॉडिफायर्स है. इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर्स. मॉडिफायर मीन टू ब्रिंग चेंजेस. सो ये इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट सब्जेक्ट. द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास असलम, उसमें सिंपल सब्जेक्ट, और ये इज एब्सेंट जो है, ये हमारे पास बाकी सेंटेंस हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. आने वाले क्लासेस में इसको हम मजीद पढ़ेंगे. प्रेडिकेट की भी तीन किस्में होती हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट. लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल देना था. आई होप कि आपको समझ आ चुकी होंगी. नाउ लेट गेट मजीद इसके और भी एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए. क्लास हम सिंपल सब्जेक्ट को उसी तरह डील करते हैं जिस तरह हम कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट को हम दोनों एक तरह से डील करते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं इन दोनों की थोड़ा कंपैरिजन आपको बता दूं. यहाँ पे लिखूं मैं सिंपल सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिखूं कंप्लीट सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल क्लास में लिखता हूं आसमा इज इन द किचन. आसमा इज इन द किचन, वन वर्ड सब्जेक्ट, आसमा इज इन द किचन. ये इस तरह भी आप जुमले में आ सकते हैं, आसमा इज इन द किचन. और उसके साथ लेट सपोज इफ आसमा इज मोर क्लियर, मोर डिफाइंड, मोर आइडेंटिफाइड. अगर घर ही में एक ही आसमा है तो हम बोलते हैं आसमा इज एब्सेंट. ये एक स्मॉल लोकेलिटी है, आपका ऑफिस है और उसमें एक ही जो फीमेल है आसमा, तो उसके साथ हम मॉडिफायर्स नहीं लगाते. लेट सपोज मॉडिफायर हम तभी लगाते हैं जब हमें सब्जेक्ट को मजीद क्या करना पड़ता है? डिफाइन, आइडेंटिफाई उसको करना पड़ता है. उसके साथ हम क्या करते हैं? मॉडिफायर्स लगाते हैं. अच्छा, लेट सपोज आसमा इज इन द किचन, तो ये तो घर में एक ही आसमा है, मैंने सिंपल लगा दिया. लेट सपोज किसी स्कूल कॉलेज में कि हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कहता हूं द मोस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट या द मोस्ट क्लेवर स्टूडेंट आसमा इज, आसमा इज
in the class. Let's suppose class, the most clever, the most intelligent, the most beautiful, the tallest, आपके साथ इसके जो जिस तरह भी आपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इन द ब्लू ड्रेस आसमा, ये जो भी, लेट सपोज आप सब्जेक्ट के साथ जो भी मॉडिफायर आप लगाना चाहें, तो ये आपका क्लास यहां भी इज है कंप्लीट सब्जेक्ट के बाद, यहां भी इज है. तो ये पता चला कि हम इन दोनों सब्जेक्ट को एक ही तरह डील करते हैं. यू अंडरस्टैंड क्लास? बिल्कुल. लेट सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि तो कंप्लीट सब्जेक्ट है, द मोस्ट क्लेवर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, द मोस्ट क्लेवर स्टूडेंट आसमा इज इन द क्लास, इसमें सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उनसे पूछिए, आप हु से सवाल करें, हु इज इन द क्लास, जो आपका आंसर आएगा आसमा, ये आपका क्या है, सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट आपके कंप्लीट सब्जेक्ट में जो वन वर्ड सब्जेक्ट है, जिसके बारे में जुमला है, और उसके साथ जो दूसरे मॉडिफायर्स आते हैं वो हटाकर जो आपके साथ सिंपल सब्जेक्ट बाकी रह जाता है, वो आपका क्या है, सिंपल सब्जेक्ट. दूसरी बात ध्यान में ये कि जितने मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, well, would, shall, should, and ought to. ये दोनों के साथ सिंपल सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं विदाउट एनी डिस्टिंग्विश इन द सब्जेक्ट. चाहे आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आसमा, जो कोई भी है, उनके सब के साथ हमें इसको यूज. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही इज अ वन पर्सन. क्लियर? अब हम इसको अगर डिफाइन करते हैं, दैट माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड अली can speak English. The same class, the best student of the class, the best student of the class, Samia is delivering a speech. The most, the best student of the class, ye alfaz is words ne Samia ko modify kar diya. Who is Samia? She is the best student of the class. The same class, जिस तरह मैंने आपसे कहा था, जो singular verbs होते हैं, verb के साथ जब हम s और es लगा लेते हैं, तो क्या बन जाता है? Singular बन जाता है. Let's suppose class, the well known, the well known professor teaches us English. The class, the well-known professor. यहाँ पे आप किसी का नाम भी बोल सकते, the well-known professor, Sir Abdul Wali teaches us English. तो यहाँ पे class, ये आपका क्या है? Complete subject है. लेकिन यहाँ पे आपने कौन सा verb use किया? Singular verb. Because क्योंकि ये हम deal करते हैं as a simple subject. For example, class, one of my best teachers is Ali. One of my best teachers is Ali. Class, yahan pe aap dekhein, one of my best teachers, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके जो वर्ब है उसके बाद आया है. तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अली इज वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स. अगर ये बात,
अगर ये पार्ट जो है ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके जो अली है उससे वर्ब के बाद आए हैं। इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट, वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स कि हम बात करेंगे, कि इसको आपने प्लूरल नहीं लेना, क्योंकि इसमें हम एक के बंदे की बात कर रहे हैं, सारे की नहीं। वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स अली इज अ गुड पर्सन, वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स अली इज अ गुड पर्सन। तो यहां पे क्लास अभी आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट आया हुआ है, वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स अली इज अ गुड पर्सन। क्लियर क्लास? तो ये होगा आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। उम्मीद है कि आज आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। क्लासेस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, के इंग्लिश ग्रामर सीरीज दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।